नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पत्रकार के आमरण अनशन का सातवां दिन, किसी जिले के जिम्मेदारों ने नहीं लिया संज्ञान। पुलिस प्रशासन से परेशान पत्रकार बैठा है 6 दिन से आमरण अनशन में। पत्रकार के अनशन का आज सातवां दिन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी कर रही शिक्षिका ने लिखाया पत्रकार पर मुकदमा। ओबीसी जाति की महिला एससी बनकर कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुकारी में कर रही सरकारी नौकरी। पत्रकार का आरोप, शिक्षिका अपने भाई की करवाना चाह रही थी, मुझसे हत्या नहीं की हत्या तो फंसा दिया फर्जी मुकदमे में। पीड़ित पत्रकार राष्ट्रपति से कर रहा इच्छा मृत्यु की मांग। किसी अन्य जनपद के पुलिस महकमे से जांच कराने की पत्रकार कर रहा मांग। शहर कोतवाली के अशोक लाट में बैठा है पत्रकार अनशन में। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, किन मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? मेरा नाम रामकिशोर उपाध्याय, मैं एक दैनिक पेपर से पत्रकार हूँ। अनशन का मेरा ये सातवां दिन है। पिछड़ी जाति की महिला के द्वारा मेरे ऊपर हरजन को 3 चमों जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो इसमें पिछड़ी जाति के होने के सारे साक्ष्य और सबूत भी उच्च अधिकारियों को पेश कर चुका हूँ। जांच कर रहे सी ओ सी टी को भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन सी ओ सी टी को मैंने पैसा नहीं दिया। सी ओ सी टी ने मुझसे 50,000 रुपये की मांग किया था, जब मैंने पैसा देने से मना कर दिया तो उन्होंने इसी प्रकार की जांच किया है और ऑफिस में बैठ करके मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अभी कल ही आप लोगों के पास में सीओ और सिटी सीओ सिटी भी आए थे, तो आप लोगों क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ मायने हुए, क्या बातचीत हुई कल? सीओ सिटी कह रहे थे कि अनशन खत्म कर दो, तो मैंने कहा अनशन मैं क्यों खत्म करूँ। तो बोले कि मैं आपका एसी एसटी हटा दिया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि एसी एसटी आपने क्यों हटाया? तो सीओ सिटी का कहना था कि वो एसी नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ कि अगर एससी नहीं है और एससी बन के शिक्षिका जो है अध्यापक है, सर्विस कर रही है सरकारी, इसने मुझे ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी धोखे में रखा है, जनपद बांदा के उच्च अधिकारियों को धोखे में रखा है। तो इसके खिलाफ आप जांच समिति का मुकदमा लिखिए और इसकी जो है रिकवरी करवाइए। जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक मैं नहीं बैठूंगा।